ਆ ਸਭ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਯਾਰ ਲੈ ਆ ਜਨਾ ਲੋ ਯਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਯਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਲੋ ਬੂਟਾ ਜੀਰੋ ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਖਲਸੇ ਕਰ ਜਾ ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਸਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹ 20 25 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਅਭੀ ਇਨਕੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ तो हमने पहले कभी बारी पे तनख्वाह लिए जो अब बारी का इंतजार करेंगे यार अभी फारिग किए देखा तो तुम तो नहीं फारिग हो के शाम तक भी अभी तो 250-300 मजदूर खड़े हैं तनख्वाह लेने वाले आज कैसे फारिग हो जाओगे यार आखिर हम भी इंसान हैं ओए ओए तो तुमसे किसने कह दिया पिद्दे के तुम भी इंसान हो ओ भाई साहब तुमको तनख्वाह देनी है वो तो देंगे कोई रोक नहीं लेंगे तुम लोगों की तनख्वाह बैठिए सब्र का काम सब सब्र अभी आ जाएगा आपका नंबर भी मंजूर साहब अभी आ जाएगा मेरी सरकार बस 10 मिनट के अंदर अंदर और साहब यहीं रुको बैठो बैठो इसी जगह बैठो कबीर हमारी तनख्वाह लेके बाहर आ आ बाहर कहता है बारी आएगी नंबर आएगा हमने नंबर पे तनख्वाह ली है उस्ताद को बता रहा है कि नंबर आएगा नंबर आएगा क्या था शायद हाँ हाँ बैठो अबे पीछे हट जाओ यार तो पीछे हट जाओ फुटीरिया बैठो अबे ऐसे पीछे कर उठा लोगा कहाँ लगा ले यहाँ पर यहाँ पे ये ले जनाब बिल ले इसके बाद आ गया जनाबे वाली मस्तान अली चल भाई ये ले अंगूठा ले यहाँ पर यहाँ जी चलो जैसे पढ़ के रख हाँ बहुत हाँ बिल्कुल आपको पैसे भी दे देंगे ये नहीं जना आप भी क्यों नहीं उसके बाद आ गया जी राजू मैं तो समझा था शायद भूल ही गया ये नहीं जना यहाँ पर ठहर तो जा मेरी जान उस्ताद जी मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर तेरे जैसा दलेर आदमी हमारे साथ ना होता ना तो ये फैक्ट्री वाले वाकई हमें काम करने पर मजबूर कर देते चार दिन हुए फोरमैन का आदमी घर आया था तेरे घर और किसके आते ही बड़ा मूछों को बल देकर कहने लगा भाई राजू तुम्हारा रवैया कुछ ठीक नहीं है काम पे आया करो मैंने कहा और हम 4 साल से काम पर नहीं आए तो अब किसके हुक्म पर आएंगे जाहिर है किसकी जरूरत है कि हमें काम पे मजबूर करे हाँ और ये जरूरत भी किसी की नहीं कि कोई हमारी तनख्वाह रोक ले हाँ। मैंने तो साफ कह दिया फोरमैन के आदमी से भाई अपना मामला मंजूर के हाथ में है अगर वो कहेगा तो काम पर आने लगेंगे ना कहेगा तो मौज करो पक्के रहो कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ इस जहान में वो जो हमें फैक्ट्री से निकाल सके मैंने सुना है मंजूर भाई
कि वो हमारा केस बनाकर फैक्ट्री वाले को पूछ पूछ को देने वाले। चुप करके बैठ खबर रसा कंपनी, सीधा ना कर दूंगा एक एक को। और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी मर्जी के खिलाफ कारखाने में कुछ कर सके। ओए हम पक्की ईंट है कारखाने की, हमेशा कायम रहने वाली, हाजिर नाजिर मौजूद, बातें सब आनी जानी चीजें, सिर्फ एक मंजूर कायम है बस। बेशक बेशक। सलाम चाचा, सलाम चाचा। वालेकुम सलाम ओ भतीजे। खाना रख दे, मैं क्या करूं खाना। अब्बा अम्मा ने कहा है, मामा रफीक आया गांव से, तू जल्दी से घर आ जा। है? भाई तेरी माँ का आया, काम काज छोड़ के मैं घर चला जाऊं? दिमाग ठीक है तेरी माँ का? यार बच्चे से तो इतना खरवाना बोला कर। बच्चा बच्चा कोई नहीं, ये कंडवे ठीक ही इस तरह रहते हैं, इन पे नमक छिड़कते रहो थोड़ा थोड़ा, चुटकी चुटकी। घर्षण मैं क्या कान लगा के बड़ों की बातें सुन रहा है, पेड़ी जनानी जैसी बूथी हो जाएगी तेरी। चल घर। अब्बा अब्बा, अम्मा ने कहा है 10 रुपए दे दे, मामा रफीक के लिए कोरमा पकाना है। कोरमा पकाना है मामा रफीक के लिए? वो शक्ल देखी अपने मामे की कोरमे खाने वाले की? कल जाके मां से कहो मोंगरे पकाए उसके लिए, कोई जरूरत नहीं छोटे गोश्त पकाने की। एक दिन गोश्त नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा तेरा मामा। अबे तू घर आ जाइयो। अबे जब मेरी मर्जी होगी जब घर आऊंगा, मैं गुलाम नहीं हूं तेरे मामे का, जब जी करेगा आऊंगा जब जी करेगा नहीं आऊंगा। जा जाके बता दे अपनी चहेती माँ को। अभी बड़ा बड़ा नर बच्चा देखा मैंने, आदमी के सामने तिड़ जाएगा पर सवाणी के आगे बकरी। वाह मंजूर वाह, नीरिस भी तेरी, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं थे। वाह। चल भाई गाजर खिला, गजरे ले, अकेले अकेले गाजरे खा रहा है यार। गाजर जान है मेरी, लो भाई। तू तो चाहती है मुझे दमा हो जाए, खू खू करता फिरूं मैं सारा दिन। चल बदल के ला चिलम। वो रफीक सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। उस लाड साहब से कहां होता है मेरा इंतजार, आखिर मुझे शाम को घर आना था ना दुकान बंद करके। फिर वो उसकी बस निकल जाती। अब्बा मामे मामे को मैं आप छोड़ के आया था बस में। रफीक जब भी आता है ऐसे ही गोंगलों से मिट्टी झाड़ने आता। अब्बा अच्छा अब तुम्हारी बारी है, फरमाओ। अब्बा मामा रफीक कह रहा था गाँव में 8वीं दिख रहा स्कूल हो गए, अगले साल 10वीं दिकर भी हो जाएंगे तो हम क्या करें। अब्बा मामा अम्मा से कह रहा था कि तुम सारे गांव चलो। अच्छा तो रफीक इसलिए आता है हमें उखाड़ दे, गांव चलो न क्या है गांव में, भूख नंग, फाका कशी, शाम पड़े धूप अंधेरा है, कच्चे रास्ते, गांव चलो। वो क्या है गांव में? अब्बा गांव में मामू के घर ना गुड़ है, वो भी गिरी वाला। ओ, हराम है गिरी वाला, हराम है जो तेरा मामा कभी एक डल्ली भी लाया गुड़ के हमारे लिए। तो मामा ना कनक बोरी भर के लाया था गुड़ की। चुप करके काम कर अपनी। ना ये तुझे एक चिलम धरने में कितने घंटे लगते हैं रजिया? ला रही हूँ जी, बातें करा लो, काम पे मौत आती है। चल गया गुड़ लेके आता देखू। ले क्या को? मामा ना पंजीरी लाया, वो तिल के लड्डू भी। ठीक मुझे जा ले लेते दुकान पे, निकल जाएगी तेरी माँ मोहल्ले में पंजीरी और लड्डू बांटने, हम बहके की शोजो पर आनी होती है। पंजीरी लड्डू नहीं क्या? वो मैंने फोन मांगा था, ये आला भला नहीं मांगी थी साथ में,
ये दिल के लड्डू, और ये तो वैसे ही गर्म होते हैं। दिल के लड्डू ले आइए, कहो कुछ करती कुछ है। तो ये रफीक को कोई मीठा बादाम नहीं मिला था गुड़ में डालने के लिए? सौंफ है तो वो पुरानी, खोया है तो वो सुतली लगा। बर्फी ले, बर्फी ताजी है। ये बर्फी कहां से आई? ठीक है, लुटा दो, दोनों मिलके लुटा दो मेरा घर। बर्फियां आ रही है, समोसे आ रहे हैं माँ मेरे रफीक के लिए। और मेरे साथ के जितने लोग हैं सबके अपने शादी घर हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। हम अब तक किराए के मकान में पड़े नहीं, हमारा नहीं बन सकता शादी घर। यार जबान का तो कहीं खत्म नहीं होता। अम्मा रो रही है। आदत है उसके रोने की, रो रही है। चलो उठाइए, उठाइए लबड़ा, उठाइए इसको। और कह दे अपनी माँ से आइंदा कोई मैके से सौगात लेके आए ना तो वो पहले उसे चख लिया करे। ले आते हैं ऐसी फजूल चीजें, मुफ्त का एहसान। रो जा। खाते पीते ना शुक्री, हर आराम मौजूदा पर रोने की आदत है। रो जाएगी, तुस्वे बहा जाएगी। चुप नहीं होना तुझे, तू क्या समझती है, क्या समझती है तू? मंजूर तुझे चुप कराएगा? रो मर। दो बोटिया, दो गुलजारे, दो बोटिया। मौजे तेरी तो मौजे ही मौजे। मौजे तो ना बादशाह की है, ना फकीर दिलगीर का, ना सखी की ना शोक। मौजे तो उसकी है जो बगैर काम किए रोटी खा रहा और बहुत अच्छी खा रहा है, मंजूर की तरह। ओए तू मंजूर का नाम लेकर ठंडी सांसें ना भरा कर सुलेमान, मंजूर की भी कोई जिंदगी है। जिंदगी तो मंजूर की है बाबा, हम तो धक्के खाने आए हैं, खा कर चले जाएं। और किसी ने दो कम खा लिए, किसी ने चार ज्यादा। ऐश तो मंजूर पार्टी की है, ना काम ना काज, ना हाजिरी ना ड्यूटी। पहली के पहली तनख्वाह ले गए, 30 दिन की मौज भारी छुट्टी। और क्या चाहिए किसी को? और भी बहुत कुछ चाहिए किसी को, बेईमान बंदा भी कोई बंदा होता है। बस कर बाबा, बस कर, रहन दे, बेईमान बंदा ही तो बंदा होता है, बाकी सारे तो डंगर पशु हैं दुनिया में। तुम कैसे जवान हो यार, हो जो हक को बेहक किए जा रहे हैं। हक कोई चीज नहीं बाबा, जोरावर का ठेंगा सर पर होता है। ले हटा के तो दिखाए तो मंजूर को इस हराम खाने से। लो तो खुद ही उसे हराम कहे जा रहा है और खुद ही उसकी तारीफ किए जा रहा है। शाबाश है तेरी सोच के। सुलेमान ठीक कहता है बाबा, तेरे वाला जमाना चला गया, अब बेईमानी घर आ जा सारी दुनिया। क्यों भाई, मेरा जमाना क्यों चला गया? मैं तो अभी हूँ इस दुनिया में, और जब तक मैं हूँ तब तक मेरा जमाना है। चला कैसे गया मेरा जमाना? तू ले सकता है मंजूर पार्टी की तरह तनख्वाह बगैर काम किए? अल्लाह है कि नहीं चला। ओए मैं क्यों खाऊं आराम, मैं क्यों करूं बेईमानी? बस तो फिर रह बेहकीकता इस दुनिया में, मर चींटी की मौत। मौत की राह से तो सोनिया सारे ऐसे ही गुजरते हैं, सुना? क्या चींटी क्या शाह सिकंदर, कब्रें उन्हीं की जीती हैं जो हक सच के साथ रहते हैं, राट सम्राट बंदे मौला के। हमारे लिए तो फिर मंजूर ही राट है। वो कैसे भाई? वो ऐसे बाबा, कोई माई का लाल उसे हाथ नहीं लगा सकता, कोई उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, कोई उसकी तनख्वाह बंद नहीं कर सकता, उसकी दुकान बंद नहीं करवा सकता। वो फूंक मार कर बंदा गिरा देता है, ट्रैक्टर भी उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकता। ओए कुफर ना तोलो शोखियो, रोटी खाओ अमन सुकून के साथ, अंतोली तख्ती पर बैठ के तोल तोल के बातें ना करो।
फंसे सोए शाम सहर ताजा करे ओ तेरा मन कहाँ साड़िया निकाले सलाम अलैकुम आइए। अरे भाई हंस लिया करो, थोड़ी सुबह रोशन हो जाती है। सेवत खिलाओगी? हाँ जी। तो अच्छी नींद आई? सलाम अलैकुम। देयर इज माय डॉग। हाउ आर यू? लवली। क्या बात, दैट्स अ गुड गर्ल। आपका क्या हाल है जनाब? गिर तो नहीं गई थी बिस्तर में सुबह? चीनी नहीं रखना। बैठिए जमाल सर। थैंक यू सर। आप भी बैठिए खरीद सर। शुक्रिया सर। वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहाँ है? सर वो आज छुट्टी पर है जी। देखिए खरीद साहब, मैं यहाँ नया ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा 20 साल का मैनेजमेंट का तजुर्बा है। मैंने ये सारी लॉग बुक देखी है, कंजम्पशन और माइलेज की सारी लॉग बुक्स चेक की। बड़ी ध्यान बड़ी ध्यान सर। हमारे पिछले जीएम साहब जो थे उनकी पॉलिसी थी, वो इस बात को ओवरलुक करते थे। उनका ख्याल था कि सवारी का बड़ा मसला है। और ये देखिए, ये मैं भी जानता हूँ कि सवारी का बड़ा मसला है, सारी मॉडर्न दुनिया में सवारी का मसला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट को मिसमैनेज किया जाए, पेट्रोल चुराया जाए। कंपनी लॉज के मुताबिक जो जिसके एंटाइटलमेंट है वो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो एंटाइटलमेंट नहीं है वो कंपनी लॉज को मोड़ तोड़ के अपने हक में मेरी मौजूदगी में नहीं कर सकता। लेकिन सर कुछ वैन्स और कुछ पुरानी गाड़ियाँ बिल्कुल छकड़ा हो चुकी हैं, उनकी मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है या खर्च कम हो रहा है, सवाल इस बात का है खर्च दुरुस्त हो रहा है या नहीं। अगर खर्च कंपनी के हक में हो रहा तो वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन चोरी नहीं होगी, सीनाजोरी नहीं होगी। राइट सर। ऐसा कीजिए कि तमाम ड्राइवर्स को बुलवा लीजिए, मैं तमाम ड्राइवर्स से खुद मिलना चाहूँगा, बल्कि एक जनरल मीटिंग कॉल कीजिए। और एक बात का ख्याल रखिए कदीर साहब कि आप उस मीटिंग में ज़रूर मौजूद हों, तमाम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। जी बेहतर सर। वेरी गुड। एक और बात जरूरी है जी, तमाम काम करने वालों को वक्त मुकर्रा पर घर वापस जाना चाहिए, ख़ास तौर पर ऑफिसर क्लास को, क्योंकि उनको हम कोई ओवर टाइम नहीं देते हैं, और फैमिली का सब पर हक होता है, खा वो मजदूर हो खा वो कोई ऑफिसर हो। राइट। लेकिन सर वो कभी कभी प्रोडक्शन की वजह से रुकना पड़ता है सबको। ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन बात सिर्फ उसूल की है, जो कायदे और जाब्ते के मुताबिक हर काम किया जाए तो गड़बड़ नहीं होती। एक बात जब आप तय कर लें तो फिर उसके खिलाफ ना जाए, उससे इनहराफ ना करें। राइट। वेरी गुड सर। वो समा साहब को गाड़ी लेने जाएगी या नहीं? समा साहब को गाड़ी लेने के लिए जाएगी, लेकिन उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस लाने के लिए नहीं जाएगी। अगर वो कोई दिक्कत महसूस करें तो उनसे कहिएगा कि मेरी ज़ाती गाड़ी हासिल। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
अरे सर कहाँ बैठा हुआ? हाँ जी पर्सनल साहब फिर अब तुम खुद ही गौर करो मंसूर, हमने कभी तुम्हें रोका है? तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत की है? क्यों भी फकीरिया ना, तो अब क्या हो गया एकदम? भाई वो जनरल मैनेजर साहब ने तुम लोगों की तनख्वाह अदा करने से रोक दिया है, हमने नहीं रोका है। हाँ वाकई अगर तुमने रुकवानी होती तो आज से 5 साल पहले रुकवाते। हाँ ना तो अब इरादा क्या है तुम्हारे जीएम का, रहना है कि नहीं? वो नौकरी की है तो रहेंगे ही। नहीं 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 फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में रहना है कि नहीं। वो इसका फैसला तो वो खुद ही कर सकते हैं। नो 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 हम उन्हें तकलीफ नहीं होने देंगे, है जी? हम खुद इसका फैसला करेंगे, उनकी आसानी के लिए हम करेंगे फैसला। अब ये तो आप लोगों की मर्जी है, आप चाहे तो। देर नहीं होगी अभी इसी वक्त करेंगे फैसला। मेरा ख्याल है इससे क्या बात करनी है, इसकी तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। यार बुजदिल है। थोड़ा सा चला चला आओ चला जी हमसे कुछ बात करते हैं। मंजूर और उसके साथी बाहर खड़े ललकारे मार रहे हैं सर। कौन? मंजूर और उसके साथी सर, आप बाहर ना, मैंने अंदर से कुंडी लगा दिया सर। सर वो बाहर बाहर सब जमा है सर। सर भाई इनको सब हाथ दिखाएंगे। बाहर नहीं सर, वो गुस्से में भरा हुआ है, उसका कोई एतबार नहीं। 12-12 मेजर, हाँ तनख्वाहें रोक रहा है, हमारी तनख्वाहें रोक रहा है। आया नहीं बाहर अभी तक? तुमने रुकवाई है हमारी तनख्वाह? मैंने रुकवाई है। तो तुम्हें हमारी तनख्वाह रुकाने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर ना होने की जरूरत कैसे हुई? तो ये हमारी मर्जी है, हम आए आए ना आए ना आए। यहां तनख्वाह मर्जी के हिसाब से नहीं दी जाती, यहां तनख्वाह ड्यूटी के हिसाब से दी जाती। हमने आज तक काम करके तनख्वाह वसूल नहीं की, आदत नहीं है काम की। तो फिर आज से काम करके वसूल करने की आदत डाल लीजिए। हम काम करके मेहनताना वसूल नहीं करते लतीफ साहब, जोरेबाजू से वसूल करते हैं। तनख्वाह तो तुम्हें काम करके ही मिलेगी। काम हम नहीं करेंगे, समझे तुम? काम तुम्हारा बाप भी करेगा। मुझे शरई और अखलाकी एतबार से यह हक हासिल है कि मैं ऐसे एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे वसूल करूं, लेकिन
मैं इस पर भी कादिर हूं कि अगर चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। लेकिन मैं तुम्हें गिरफ्तार भी नहीं करवाऊंगा। मैं इस बात पर भी कादिर हूं कि मैं चाहूं तो फजर के वक्त खुदाए कुद्दूस से फरियाद करूं, लेकिन मैं फरियाद नहीं करूंगा। और मुझे यह भी सहूलत हासिल है कि मैं कयामत के रोज तुझसे इंसाफ तलब करूं, लेकिन मैं इंसाफ भी तलब नहीं करूंगा। हां, अगर हशर के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से मुझे जन्नत में जाने की इजाजत मिल गई तो खुदा की कसम मैं तेरे बगैर जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। अरे वाह भाई, बड़ा ही बगैरत आदमी है। और देखा नहीं डर से क्या थर थर कांप रहा था। अरे उस्ताद ने थप्पड़ इतने जोर से मारा यार, कमाल हो गया। वाह वाह, मुझे तो डर था कि गिर ही ना जाए, लेकिन संभल गया। कजाई छुपाने के लिए खुशामद से करने लगा। अरे खुशामद ना करता तो उस्ताद ने दो चार और मार देने थे। पानी गरम कर दो जी। नहीं ठीक है। तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है, बस सर में दर्द है। गोली पी लीजिए जी। नहीं, ये दर्द गोलियों से ठीक होने वाला नहीं है रजिया। तू जा आराम कर।
हमारी फैक्ट्री में तसल्ली पड़ गई। बड़ी डिसिप्लिन लिए फिरता था। और अब तक तो अखबारों में खबर पहुंच गई होगी कि एक जीदार नौजवान ने मैनेजर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वैसे उस्ताद सारे अखबार वाले तेरी फोटो खींचने आएंगे। हाँ। ले भी फकीरिया, हाँ? अब कोई सारी उम्र हमें पूछ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तू कुछ चुप चुप है यार मंजूर? नहीं बोल रहा हूं। उस्ताद जब तूने पूरे जोर का लपड़ मारा ना उसके मुंह पे, लतीफ साहब के मुंह पे, मैंने बड़ा मजा लिया यार। यार बस तो खत्म करो इस किस्से को यार, कोई और बात करो। बकरी हो गया साला। वो देखा नहीं, देखा नहीं कैसे उसकी आंखों में आंसू आए थे लाल लाल प्याजी रंग के। मैंने तो ऐसे करने लगा बोलूं लहजा ही बदल गया, कहने लगा मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले चलूंगा। हाँ। मुझे माफ कर दो। आज जैसे साले ने जन्नत का पट्टा लिखवाया, डर के मारे आवाज ही बदल गई। यार छूना था, हो गया, खत्म करो, कोई और बात करो। बकरी हो गया सर। सलाम चाचा, सलाम चाचा। वाह वेलकम, सलाम पति देवा। खाना बेटे, आज भूख नहीं है मुझे, तो ले जा खाना घर वापस। अब्बा कीमे वाले परोठे कीमे वाले पराठे, चल बेटा तू खा ले। तुझे तो तेरी माँ ने एक पराठा भी नहीं दिया होगा, खा ले खा ले। मैं खा लूं? खा ले बेटे खा ले, पर सुन अपनी माँ को ना बताना। यार मंजूर अब जो कोई फैक्ट्री से आए ना समझौते के लिए तो नरम नहीं पड़ जाना। हाँ। और वो जो लतीफ साहब बकरा था ना, वो सारी बातें हैं, सच बच कोई नहीं होता इन लोगों की बातों में। तो बाहर नहीं करना मंजूर, समझौता नहीं करना किसी के साथ, शक रखना है सारे इंसानों पे सारी जिंदगी। तुझसे पोशीदा नहीं, मैं बारहा तेरे हुजूर में सर्ब सजूद होकर दुआएं मांगता रहा हूं अपनी अपाहिज बेटी के लिए, तेरे करम की गुजारिश करता रहा और तू मुझ पे करम करता रहा, मुझे नवाजता रहा। लेकिन ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, आज मैं तेरे हुजूर में पहले से ज्यादा लालची होकर, पहले से ज्यादा हरीस बनकर हाजिर हुआ। मेरे दोनों बच्चों पर करम फरमा, मेरे छोटे बच्चे को ज़हनी और रूहानी बीमारी है, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है, उस पे करम कर। और ऐ खुदा, ऐ खुदा,
है खुदा मेरे मंजूर पर रहम कर, मेरे मंजूर पर करम फरमा, उसको मेरी अपाहिज बच्ची से ज्यादा तेरी मदद की जरूरत है, तेरे करम की जरूरत है, उस पे मेहरबानी फरमा, उसे तस्लीम करने वालों में शामिल कर, उसे मानने वालों की सफ में खड़ा कर, ऐ खुदा उस पे करम कर, उस पे मेहरबानी कर, उस पे तवज्जो कर, उसके दिल में आसानी पैदा कर दे, उसको सहूलत दे, ताकि वो भी दूसरों को सहूलतें दे सके, दूसरों में आसानियां तकसीम कर सके। जा जा ले शाबाश। अच्छा इसकी तैयारी तो 3 दिन तक खत्म नहीं होगी। मंजूर अगर तुम गुस्सा ना करो तो एक बात बोलूं। अब तो सिर्फ अपने पे गुस्सा आता है रजिया। वो मंजूर तो मर गया 3 तारीख का। मैं ये कह रही थी कि तुम लतीफ साहब से जाकर मिल ही आते हैं। माफी बेशक ना मांगते, खाली मिल ही आते, ऐसे ही सलामी कराते। करना तो वही चाहिए रजिया जो तू कह रही है, पर मेरी हेकड़ी है ना, मेरी शेखी, मेरा तकबर, वो मुझे आगे नहीं जाने देता। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, एक मरतबा उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। तो मेरी किस्मत में ये दोनों ही बातें नहीं है। तो कोशिश तो करके देखते हैं, एक मरतबा। ले जिस आकड़ को 27 साल से दाना खिला खिला के शेर बनाया है, जिसके सहारे सारे शहर के लोगों को बकरी समझा है, वो कोई 1-2 दिन के रगड़े में थोड़ी खत्म हो जाएगी। मंजूर आ रहा हूं चाचा। सलाम अलैकुम चाचा। जीता रहा जीता रहा। वो मस्तान अली ने बताया मुझे। ठीक बताया चाचा, मैं गांव जा रहा हूं। मैं तेरे बेलियों से कहता था अंतुली धरती पर बैठ के तोल तोल के बातें न करो, और सारे मेरे साथ लड़ते थे, कहते थे ट्रैक्टर भी मंजूर को नहीं हिला सकता। ठीक कहते थे चाचा, हिला तो नहीं सकता था, पर
पर क्या, दाना पानी बंद कर देता है वो। रजिया रजिया बेटी, तूने इसे समझाया नहीं? बड़ा समझा बैठी है चाचा। वो गफार बेटा, गफार टैक्सी लेने गया। अच्छा, वो अब्बे को कुछ समझाए, कुछ इलम बताए? बस अब तो जाने ही दे चाचा। यार सारे मोहल्ले में तेरी रौनक थी, बड़े खंबे का लाठू उतर जाना है तेरे बाद, तेरे तकब्बुर का। मुहावरा नहीं है ना चाचा, कभी किसी से माफी मांगी ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अब कितनी कोशिश करूं पर रू नहीं मानती। तनख्वाह छोड़ी, दुकान छोड़ी, शहर छोड़ा, वो जगह छोड़ी जिसमें लतीफ साहब जैसे ताकतवर लोग रहते हैं, राट सम्राट। ये भी तो माफी है चाचा। जब शेर अपने रौन पर निकलता है ना, तो गिद्दड़ गुलाम शहर छोड़ के भाग जाते हैं, इलाका छोड़ देते हैं। मैं भी इलाका छोड़ के जा रहा हूं चाचा। शेर आ गया है ना अपने रौन पर। अब्बा जी, अबू जी, टैक्सी आ गई है। अच्छा बेटा चल, उठा सामान। गफार, ओए गफार, ओए गफार, समझा अपने अब्बे को बेटा।